नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली के अंदर किसी सरकारी विभाग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, डेली वेजर के रूप में, या फिर पूरे दिल्ली के अंदर दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर काम करते हैं, तो आपके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक न्यूनतम वेतन निर्धारित है, जिससे कि कम आपको आपका एम्प्लॉयर या मालिक नहीं दे सकता है। जो कि हालांकि न्यूनतम वेतन आपका जो होता है 5 साल में एक बार रिवाइज होता है, जबकि साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और जिस महंगाई भत्ता को समय से जारी नहीं होने पे 11 अक्टूबर को हमने जानकारी दी थी कि लेबर कमिश्नर ऑफिस में एक अधिकारी से हमारी बात हुई है, जिन्होंने कहा है कि फाइल हमने अप्रूवल के लिए भेजा है और जैसे ही आ जाएगा वैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और जिसमें हमने आपको बताया था कि एक आध हफ्ते का समय लगेगा, जबकि दूसरे दिन ही यानी कि 12 अक्टूबर को ही दिल्ली सरकार ने रात को घोषणा कर दी, जो कि विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको या फिर न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। आज मैं आपको उस नोटिफिकेशन का कॉपी न केवल दूंगा, बल्कि उसमें जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग कैटेगरी में आपका क्या न्यूनतम वेतन होगा, कहां से आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा अगर दिल्ली के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए क्या दिल्ली सरकार वाला न्यूनतम वेतन मिलेगा या फिर इससे जो अधिक है सेंट्रल स्फीयर वाला वो मिलेगा। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली सरकार के तरफ से जो नोटिफिकेशन है महंगाई भत्ते का हमारे पास आ चुका है, और जिसमें हम बिना देरी करते हुए जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में आपका 1 अक्टूबर 2022 से न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ता को ऐड करने के बाद क्या होगा। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पर आ जाएंगे, जिसमें कि हमने पूरी जानकारी दी है कि आपका न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर 2022 से कितना होगा। और इसको न केवल हमने पोस्ट पे बताया है, बल्कि अभी नोटिफिकेशन आने के बाद जिस तरह से आपके नोटिफिकेशन में टेबल दे करके बताया गया है, उसी तरह से यहाँ पे आपको बताया है। यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें आपका जो क्लास बटा हुआ है उसको लिखा हुआ है, और यहाँ 1/4/2022 से आपका क्या रेट था वो है, और अभी जो महंगाई भत्ता आपका बढ़ाया गया है वो यहाँ पे पीएम यानी कि प्रति मंथ के हिसाब से है, और ये वाले कॉलम में आपका मंथली रेट क्या होगा बेसिक और डीए दोनों को ऐड होने के बाद, और यहाँ पे आपका एक दिन का क्या होगा वो हमने दिया है जैसा कि नोटिफिकेशन में है। अनस्किल्ड में आते हैं तो आपका मासिक 16,792 रुपया और एक दिन का 646 रुपया। सेमी स्किल्ड में आते हैं तो आपका मासिक 18,499 रुपया और एक दिन का 712 रुपया। स्किल्ड के अंदर आते हैं तो मासिक आपका 20,357 रुपया और एक दिन का 783 रुपया। इसी प्रकार क्लर्कियल या सुपरवाइजरी में है और नॉन मैट्रिकुलेट है यानी कि मैट्रिक नहीं है तो मासिक आपका 18,499 रुपया और एक दिन का 712 रुपया। इसके बाद क्लर्कियल और सुपरवाइजरी के ही मैट्रिकुलेट हैं लेकिन ग्रेजुएट से कम है तो आपका मासिक 20,357 रुपया और एक दिन का 783 रुपया। इसके बाद हाईली स्किल यानी कि ग्रेजुएट और उससे ऊपर की आपकी डिग्री है तो आपका मासिक होगा 22,146 और एक दिन का 852 रुपया। और इसका अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो हमने यहाँ पोस्ट के लास्ट में अटैच कर दिया है, जिस पर क्लिक करते ही ये वाला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिसको कि आकर के आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो दर मैंने आपको अभी बताया है वो 1 अक्टूबर 2022 से अगर आपको नहीं दिया जाता है तो इसके लिए आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं, जहां कि जितना आपको कम दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, दिल्ली राज्य के अंदर ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग हो गया, जैसे कि रेलवे हो गया, IRCTC हो गया, एयरपोर्ट हो गया, CBSE हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एम्स हो गया, और भी बहुत सारे विभाग हो सकते हैं जो कि भारत सरकार के अंदर आते हैं, जैसे कि नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल, इस सारे जगहों पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या डेली वेजर के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन कहा जाता है, जिसकी जानकारी हमने अभी हाल ही में दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।